वेलकम टू माय चैनल कुक एंड ट्रैवल लाइफ इन कनाडा। आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम मिलकर आलू गोभी की मसालेदार सब्जी बनाते हैं। ये इतनी टेस्टी बनेगी कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गोभी का फूल, आलू, प्याज और लहसुन। सभी सब्जियों को धोकर काट लें। इसे बनाने के लिए एक कटोरी तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला और सूखा धनिया लें। सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल डालें। और उसमें गोभी के पीस डालें और इसे फ्राई कर लें। गोभी फ्राई हो चुकी है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लें। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसी तरह से बाकी बची गोभी को भी फ्राई कर लें। सारी गोभी को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसी तेल में आलू के टुकड़ों को भी फ्राई कर लें। आलू ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लें। आलू के टुकड़ों को भी हल्का ब्राउन होने तक तलें। सभी आलू फ्राई हो चुके हैं। अब इसी तेल में प्याज और लहसुन डालकर ब्राउन करें। प्याज को अच्छी तरह से भून लें। प्याज भून चुके हैं। अब इसमें सारे मसाले डालें। मसालों को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छी तरह से भून लें। मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें आलू और गोभी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। आलू और गोभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें आधा कप पानी का डाल लें। और इसे 5 मिनट के लिए हल्के सेक पर बनने दें। 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब सब्जी को चेक करते हैं। हमारी सब्जी बन चुकी है। अब इसमें कसूरी मेथी और हरा धनिया डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। हमारी सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप
इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।